उसको टैग करो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं सुनीता अग्रवाल अमूल में लाइव करने जा रही हूँ और आज की मेरी रेसिपी है पनीर बटर मसाला और विद आटे का नान। तो ये नान जो है हम घर में बनाएंगे, तो देखिए ये कैसे बनता है। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमने अमूल का पनीर लिया है और इसको अमूल का ये देखिए हमने पनीर लिया है, 200 ग्राम हमने पनीर लिया है। इसको हमने इस तरह से काट कर रखा है, ये देखिए इस तरह से टुकड़ों में आप काट ले। और इधर मैंने कढ़ाई ली है, गैस को ऑन कर देते हैं और कढ़ाई को गर्म हो जाने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ये हम अमूल का बटर डालेंगे। अमूल का बटर बहुत अच्छा होता है और ये तो रेगुलर हम यूज करते हैं, आप लोग भी यूज करिए। और बटर डालने के बाद थोड़ा सा हम ऑयल भी डाल देंगे ताकि बटर हमारा जले नहीं। जब बटर डालें तो थोड़ा सा ऑयल डालना जरूरी होता है। देखिए अमूल के प्रोडक्ट तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये बटर को मेल्ट हो जाने देंगे और फिर इधर हमने ये मसाला बनाकर, ये देखिए मिक्सी में हमने ये तैयार कर रखा है। हमने टमाटर लिए थे और 100 ग्राम खोया भी लिया था और इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, इन सभी को डालकर हमने ये इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो यहाँ पे वो डालकर ही इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। हम लोग नहीं बनाते हैं अपने घर में, इसलिए हमने लहसुन प्याज नहीं डाला है। जो लोग खाते हैं तो इसमें डालकर इसका पेस्ट इस तरह से तैयार कर लें। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छा लगता है। हेलो मैम, हेलो अलका मैम। तो बटर को मेल्ट हो जाने दें, फिर ये मसाला हम डालेंगे। देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। और फिर इधर हमने ये थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। ये छोटी इलायची है, इसको हमने क्रश कर लिया है। लौंग है, ये दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा। तो ये बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ये थोड़े से खड़े मसाले हम ऐड करेंगे। ये खड़े मसाले जो इसमें सब्जी में जो इसका अरोमा आता है बहुत ही अच्छा लगता है। ये जीरा डाला, ये छोटी इलायची इसको हमने क्रश कर लिया था, लौंग और ये दालचीनी का टुकड़ा और ये तेज पत्ता। तो ये मसाले थोड़े से हमारे भून गए हैं और ये जो मसाला हमने बताया आपको ये तैयार करके रखा था, ये भी हम इसी में डाल देंगे। देखिए इस तरह से आप मसाला पहले से बनाकर रख लें तो बहुत ही इजी हो जाता है ये पनीर की सब्जी बनाना। हेलो कविता जी, हेलो भारती जी, हेलो प्रीति जी।
और इसको हम बराबर चलाएंगे। फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक स्वाद के अनुसार, और इसी मसाले में हम थोड़ा सा ये हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। थोड़ी हरी धनिया हम बाद में डालेंगे, थोड़ी इस मसालों के साथ हम भूनेंगे। ये धनिया पाउडर, पनीर मसाला, हेलो मनीषा जी, और अब हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च जो है तीखी नहीं होती है, ये कलर के लिए हम डालेंगे, इसे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो बस इन मसालों को हम जब तक भूनेंगे, जब तक इनमें तेल ना इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, ये देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। और इधर ये देखिए हमें अमूल के प्रोडक्ट लगा रखे हैं। अमूल के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। ये अमूल का बटर है, चीज है, चीज स्लाइस भी है, और चीज और ये अमूल का क्रीम है, दूध है, पनीर है, सभी चीजें अमूल के बहुत अच्छे होते हैं। आप इसे जरूर यूज करें। और इधर हमने ये नान का आटा, नान बनाएंगे गेहूं के आटे से। तो ये हमने आटा लगाकर रखा हुआ है, ये हमने गेहूं का आटा लिया है। इसमें हमने दही डाला, नमक डाला और थोड़ा सा ऑयल डाला, और इसको थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा भी डाला, और इसको डालकर हमने गूंथ कर रख दिया था मॉर्निंग में ही, ताकि ये आटा जो है हमारा सेट हो जाए। क्योंकि लाइव है तो इतनी जल्दी ये सेट नहीं हो पाएगा, तो हमने आटे को गूंथ कर ये रख दिया था। तो अभी आप देखिएगा कि इसका हम नान बनाएंगे। हाँ कविता जी, ये हेल्दी रेसिपी है। हम वैसे तो ये नान जो है मैदे से बनता है, लेकिन हम इसको गेहूं के आटे से बना रहे हैं, तो इसको आप लोग आराम से खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
मसाला देखिए भून रहा है। पनीर को आप चाहे तो थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ये आपकी च्वाइस है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। तो देखिए धीरे धीरे ये मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया है। और ये देखिए मसाला ये भून रहा है हमारे किचन में, इसकी जो महक आ रही है बहुत अच्छी आ रही है सारे मसालों की। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है सबको थैंक यू, और अमूल टीम को भी मेरा थैंक यू जो हम लोगों को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं अपनी स्किल को दिखाने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग दिखा सकते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं किनारे से ये ऑयल जो है रिलीज हो रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि ये हमारा मसाला भुन रहा है अच्छी तरीके से। ये देखिए कढ़ाई भी ये छोड़ने लगी है नीचे से। और अगर आप मेरी और भी रेसिपियां देखना चाहते हैं तो मेरा YouTube का चैनल है सुनीतास किचन विदाउट अनियन एंड गार्लिक, बिना प्याज लहसुन का है, तो आप उस पर जाके भी हमारी सारी रेसिपियां देख सकते हैं। मैंने बहुत तरह की रेसिपियां डाली है, लगभग 250 अराउंड वीडियोज होंगी, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये मसाला हमारा भून गया है और अब हम इसमें जो है ये अमूल का दूध डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, पानी की जगह हम दूध डालेंगे। इसे बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनेगी।
जब तक हमारी ग्रेवी बॉयल हो रही है जब तक हम आपको नान बनाना बताते हैं। नान बनाने के लिए ये हमने आपको दिखाया था, ये हमने गेहूं का आटा लिया है और इसमें से हम एक लोई तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम लोई को तोड़ लेंगे और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगाने के बाद हम इसको ओवल शेप में बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बेल लिया है और इधर हम तवे को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तवा गर्म होने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद ये देखिए ये कलौंजी जो होती है ब्लैक कलर की कलौंजी होती है, आप भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें काले तिल भी लगा सकते हैं। और फिर ये हरा धनिया, हरे धनिये की पत्ती, और इसको लगाने के बाद हम हल्के हाथों से इस पे बेलन चला देंगे ताकि जो है ये चिपक जाए। और इधर ये ग्रेवी अच्छी तरीके से ये बाउल बॉयल हो गया है, अब हम इसमें ये पनीर ऐड कर देते हैं। और फिर इसको उबलने देंगे। ये पनीर को इधर कर देते हैं और इधर हम आपको नान बनाना बताते हैं। तो ये तवा हमारा गरम हो गया है और ये अब नीचे की तरफ से हम इसमें पानी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से पानी सभी तरफ से लगा लेना है और आपको ये ध्यान रखना है कि जिधर आपने पानी लगाया है उसी की तरफ हमें ये तवे पे डालना है। और फ्लेम को लो कर देंगे हम और इसको सेकने देंगे अच्छी तरीके से। और अब इस पनीर की सब्जी में हम थोड़ा सा थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर देंगे। ये चीनी इसलिए डालते हैं कि सारा फ्लेवर जो है वो बैलेंस रहे, कोई इसमें मिठास के लिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सारी चीजें आप इसमें अच्छी तरीके से बैलेंस रहे, तो बस आधा चम्मच चीनी डालना है। तो और फ्लेम को हमने लो कर दिया है, ये देखिए और इसको नीचे की तरफ से सिकने देंगे। जब तक ये सीख रहा है जब तक हम एक और बना लेते हैं।
और इसमें हम थोड़ा सा ये देखिए इसमें पानी लगाएंगे और कलौंजी हरा धनिया और इसको बेलन से हम हल्के हाथों से इस पे एक दो बार चला देंगे। और फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम करेंगे और इस तरह से देखिए सेकना है। ये देखिए आप देखिए किस तरह से हम इसको सेक रहे हैं, तवे को उल्टे करके सेकेंगे। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये नान बनाने के लिए आपको ये हैंडल वाला ही तवा चाहिए, हैंडल वाले तवे से ही आप इसे बना सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ये देखिए जो इसमें ये ब्लैक स्पॉट आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं और ये अच्छी तरीके से ये सिकेंगे। अब इसको ये देखिए ऐसे हम तो ये देखिए नीचे से भी ये अच्छी तरीके से देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये सिककर तैयार हुआ है। तो ये नान हमारा बनकर तैयार हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से एक और हम सेककर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये सिककर तैयार हो गया और जिधर आपने पानी लगाया है उसको हम नीचे की तरफ ही रखेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे, अच्छी तरह के से ये सिक्का तैयार हो गया। और फिर इसके ऊपर हम नान के ऊपर बटर लगा लेंगे। ये देखिए अमूल का बटर लगा लेंगे, इसे टेस्ट और बढ़ जाएगा। हाँ कविता जी ये मजेदार सब्जी है, बहुत ही अच्छी है, खुशबू तो हमारा किचन तो बहुत महक रहा है, पूरे इसका जो पनीर का अरोमा है मसालों का गरम मसालों का आ रहा है। तो देखिए ये पनीर की सब्जी का जो कलर आया है वो बहुत ही बढ़िया आया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और अब मैं जो हूँ ये इधर हो रहा है प्लेटिंग कर लेते हैं। और फिर ऊपर से इस सब्जी में हम हरा धनिया डाल देंगे। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए पनीर की सब्जी, पनीर बटर मसाला ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बहुत अच्छी बनी है और ये नान भी हमारा बनकर तैयार हो गया। तो आप इसे लंच में या डिनर में या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और अब हम एक नान और बना लेते हैं। तो इस तरह से भी हम सेक सकते हैं।
और गैस को ऑफ कर देते हैं। इसमें भी हम बटर लगा लेंगे। तो ये देखिए पनीर बटर मसाला और ये आटे का नान हमारा बनकर तैयार हो गया। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। और जो है मैं अमूल का और दीपा मैम का और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। तो देखिए कितनी सुंदर ये नान और ये हमारी पनीर बटर मसाला बहुत ही अच्छी लग रही है। ये आप इसे जरूर बनाएं, अमूल के प्रोडक्ट से इसको जरूर बनाएं। तो चलिए ये लंच मेरा तो तैयार हो गया। तो चलिए आप लोग भी किचन में जाइए और इसको बनाकर खाइए। तो मैं अपना लाइव एंड कर रही हूँ। सभी को थैंक यू सो मच।